नवी मुंबई आवाज और रफी स्पैंगलम्बे प्रेजेंट्स नवी मुंबई आइडल। आइए हमारे अगले कंटेस्टेंट आ रहे स्टेज पे, उत्पल नंदी साहब। इनका नंबर कैसे भी पढ़ लो, मैं उल्टा होके पढ़ूंगा तो भी वही दिखेगा, ऐसे भी पढ़ूंगा तो वही लगूंगा। हेलो, और आपका फर्स्ट राउंड है ना? जी जी। ओके, कैमरा की हाइट बढ़ानी पड़ रही है क्या? ठीक है ना? ओके, मैं दिख रहा हूँ क्या? लेकिन ओके, हाँ, क्या परफॉर्म कर रहे हैं आज? आज मैं एक मुकेश जी का गाना सुना रहा हूँ, स्लो सॉन्ग में। ओके। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और फास्ट सॉन्ग में मैं रफी साहब का एक गाना सुना रहा हूँ, ये चांद सा रोशन चेहरा। क्या बात है। आपके फैमिली को RFCM और नवी मुंबई आवाज चैनल की तरफ से ग्रैंड फिनाले में एक गिफ्ट दिया जाएगा, सरप्राइज गिफ्ट। ओह, थैंक यू वेरी मच। तालियां तो बजाइए। क्यों दिया जाएगा वो भी सुन लीजिए, क्योंकि नवी मुंबई आइडल में ये एकमात्र नंदी फैमिली है जिन्होंने पूरे फैमिली ने मिलकर परफॉर्मेंस दिया है। हम दो, हमारे दो, चारों ने मिलकर ऑडिशन दिया है, और इसके लिए हम उनको ग्रैंड फिनाले में एक सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हैं। थैंक यू सर, परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन
कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे करवाए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे करवाए जन्मों के नाते। घनी थी उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पराए, दर्द पराए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदल चुराए, चुपके से आए। आपका फास्ट सॉन्ग भी अभी गा लेंगे, ओके जी। इनका इनका फास्ट ट्रैक लगा दीजिए। ये चांद से रोशन चेहरा, सुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद से रोशन चेहरा, सुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा।
क्या बात है, दूसरे गाने में थोड़ी गड़बड़ हुई ना, कहाँ पर समझ में नहीं आया। क्योंकि मेरा ये फेवरेट सॉन्ग है। सर गाऊं क्या दो लाइन? दूसरा अंतरा क्या है इसका? दूसरा गाना हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, वही तो गया। हर शाम की चादर काली, साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू पल खाती एक नदियां, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं जो कौन सा लाइन? अभी सर बताएंगे। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, पहले गाने में सभी सब कुछ ठीक था। अच्छा, सुर ठीक था, फीलिंग ठीक थी। इस गाने में सुर काफी फ्लैट गए, क्योंकि ये गाना फास्ट है, तो थोड़ा कई बार हो सकता है ऐसा कि सुर फ्लैट हो। लेकिन दोनों गाने में मैंने एक बात नोट की, जो मेरे ख्याल से सभी ऑडियंस ने भी नोट की होगी, आप आंखें बंद करते हो, राइट? ऑडियंस आपको देख रही है। पहली बात तो आपको आई टू आई कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी है द वे यू मूव, द वे यू स्टैंड, द वे योर एक्सप्रेशंस आर, ये सभी मैटर करते हैं। आपकी जो गेस्चर्स पोस्चर्स है गाते वक्त, वो बहुत मायने रखते हैं। मुझे नहीं लगता ये प्रेजेंटेबल था, एम आई राइट? कुछ अजीब लग रहा था। अच्छा हाँ, वो सब ठीक है, क्योंकि ये मैटर करता है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा गाओ, आपको मालूम है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी हस्ती है वो, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा, कुमार सानुदा, इतने अच्छे सिंगर, मेरे भी फेवरेट हैं, लेकिन उनके स्टेज शोज की डिमांड कम है। उसकी वजह उनका परफॉर्मेंस है। उनके जो सेम एज में थे विनोद राठौड़ सर, उनके गाने उस टाइम में कम थे मुकाबले के। कुमार सानू से अगर मुकाबला करेंगे तो उनके गाने कम हिट है, कुमार सानू ज़्यादा फेमस है, लेकिन विनोद राठौड़ के शो की डिमांड ज़्यादा थी लाइव परफॉर्मेंस की, क्योंकि ही वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मर, ही इज, लेकिन सानूदा परफॉर्मेंस में बहुत कम है। तो अगर आप स्टेज पे हो तो ये बहुत मायने रखता है। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो कोई आपको देखता नहीं है आप कैसे गा रहे हो, और शायद इसके लिए थोड़ा गाइडेंस लगेगा। हाँ, ये देखिए, मुझे ये बात महसूस हुई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्लीज माइंड मत करें, आप प्लीज माइंड मत करें, आपका बहुत इज्जत करता हूं। क्योंकि देखिए, आपका प्रोफेशन दूसरा है, आप अपने प्रोफेशन में ग्रेट हो सकते हो, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। हर कोई यहाँ पे जॉब करने वाले है, कोई बिजनेसमैन है, अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा उनका मकाम होगा, अपनी हस्ती होगी, लेकिन अगर आप स्टेज पे हो, हमें कुछ बोलना है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा आप भले स्टैंड रहे, पहले तो आंखें खोलो आप, ताकि पब्लिक रिस्पॉन्स आपको पता चले कि आपको पब्लिक कैसे आपके गाने के ऊपर रिएक्ट कर रही है, अप्रिशिएट किस तरह से कर रही है, आपको तभी पता चल ही जाएगा। ओके, थैंक यू सर। अदरवाइज आग बंद जब आदमी करता है ना, तो गाने में डूब जाता है, फीलिंग आ जाती है, इसलिए आपके गाने में फीलिंग है, लेकिन जो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो दिखाई दे रहे हैं सामने, वो थोड़ी अजीब सी नजर आ रही है मुझे। बस आपके घर में पूरी फैमिली गा रही जी, है जी, जी। तो आप उनके सामने ये, उनको पहली बात ये पूछो। नहीं, वाइफ ने बोला था थोड़ा गड़बड़ है उसका, तो मैं थोड़ा इम्प्रूव किया, और भी खराब था तो, पर और भी अच्छा करने के लिए थोड़ा एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत है। गाइडेंस तो की जरूरत नहीं है, आप आईने के सामने आंखें खुले रख के गाओ, सब हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, माय प्लीज। नवी मुंबई आवाज और रफी स्पैंडलम्बई प्रेजेंट्स नवी मुंबई आइडल। जिंदगी गले लगा ले